जय श्री कृष्ण मित्रों मित्रों आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की महापुण्यदायिनी व्रत कथा पूजा विधि और इसका शुभ मुहूर्त भी आज आपको हम बताएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस व्रत को धारण करेंगे और इसकी व्रत कथा को श्रवण करेंगे उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का नाश होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया है कि जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें 28,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं एकादशी के व्रत की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, क्योंकि बिना विधि और नियम के अनुसार जो व्रत किया जाता है उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत उपवास में बहुत अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागर फलाहार आदि लिए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण एवं फलों को देने वाली मानी गई है। इसी प्रकार यदि दशमी तिथि को दिन या रात में एकादशी तिथि हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम बताया है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे और दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश उसके चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्य फलदायी माना गया है। तो जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं या पढ़ते हैं वे उस महापुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाती है तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो कर सकते हैं। तो पहला बताया है निर्जला व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित बिना अन्न का प्रयोग किए यानी उसमें दूध आदि पेय पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, चौथा बताया है नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार कर लेना, पांचवा बताया है एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय फलाहार लेना, और अशक्त वृद्ध बालक और रोगी को जो भी व्रत नहीं कर सके यथासंभव अन्न आहार का त्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा रहती है, अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में नियमित रूप से संलग्न रह करके इस व्रत को धारण करना चाहिए। अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन वचन कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों में उद्देश्य में यह अंतर्निहित है, इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी के व्रत का विधि विधान इस प्रकार से है, एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है, फिर संकल्प की विधि के अनुसार आगे कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करें और इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व रथ आदि चला करते हैं, भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नाप लिया था, तो हे मृतिके मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं मेरे उन सभी पापों को दूर करने की कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा ही फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं रात्रि जागरण नहीं करते हैं उनको मात्र एक चौथाई फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप माना जाता है। व्रत रखने वाले
स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवान हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। तो यह सब कर्म जो है क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भावना से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें, अपनी अपनी शक्ति श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें, प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इसमें पारण का विधान इस प्रकार से होता है, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त किसी भी सुपात्र ब्राह्मण को या देव मंदिर में भोजन के निमित्त सीधा सामान थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत को करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो वह उन्हें पूर्ण रूप से फलदायी सिद्ध होगा। तो यह एकादशी धर्म ग्रंथों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। तो आइए अब हम जानते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व और इसके नियम। तो एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 4 जुलाई 2021 को रात्रि 7:55 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 जुलाई 2021 को प्रातःकाल 10:30 पर। उदया तिथि होने के कारण 5 जुलाई 2021 को ही यह व्रत रखा जाएगा। तो इसका पारण का मुहूर्त रहेगा 6 जुलाई 2021 को प्रातःकाल 5:29 से आरंभ होकर के तो प्रातः 8:16 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इसका पारण कर लेना चाहिए। इस दिन का नियम इस प्रकार से है, इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं और अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक करावें। भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत धारण करें, भगवान की कर्पूर से आरती करें, भगवान को भोग लगावें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी को भोग नहीं लगाया जाता है, वे ग्रहण भी नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, स्मरण करें। तो योगिनी एकादशी का विशेष महत्व इस प्रकार से है, इस पावन दिन व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत से मृत्यु के पश्चात मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी की पूजन सामग्री इस प्रकार से रहती है, इसमें भगवान विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति आपको रखना चाहिए, पुष्प रखना चाहिए, नारियल सुपारी फल लौंग धूप दीप शुद्ध घी पंचामृत अक्षत तुलसी दल चंदन मिठाई और ऋतुफल आदि आपको रखना चाहिए। सभी सामग्रियों में तुलसी दल आपको विशेष करके रखना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु जी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो योगिनी एकादशी की महापुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है, इस दिन इस व्रत कथा को जो भी श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे वासुदेव, कृपा करके आप आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें, कृपया इसका वर्णन बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से साधक के सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तो एक समय की बात है कि स्वर्ग धाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था, प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए रोजाना पुष्प लाया करता था। एक दिन माली फूल लेकर के राजा के भवन में नहीं जा सका। उधर राजा कुबेर मंदिर में बैठ करके शिव पूजन कर रहे थे। राजा दोपहर तक
उसकी राह देखता रहा। जब माली दोपहर तक भी पुष्प लेकर के राजा कुबेर के पास नहीं पहुंचा तो अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई जाकर के हेम माली के न आने का कारण पता लगाए। सेवकों ने कहा कि हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम वासना में आसक्त पड़ा हुआ है। सेवकों की बात सुनकर के राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने तुरंत ही हेम माली को बुलवाया। हेम माली कांपता हुआ उपस्थित हो गया। राजा कुबेर ने कहा कि अरे पापी, अरे कामी, तूने परम पूज्य शिवजी महाराज के पूजन का अनादर किया है, उसमें विघ्न डाला है। तूने पूजन की अवहेलना की है और पूजन का महत्व नहीं समझा है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाएगा और कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का उसी क्षण स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी समय पृथ्वी लोक पर गिर पड़ा। भूमि पर गिरते ही उसे कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया, परंतु शिव पूजन की और पुष्प की सेवा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। उसकी स्त्री भी उसी समय बिछुड़ करके अंतर्ध्यान हो गई। हेम माली मृत्यु लोक में आकर के अनेक दुखों को भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी। भगवान शिव जी की जो उसने सेवा कभी नहीं की थी, उसी के प्रभाव से, पुष्प ले जाने के प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति उसे अवश्य याद रही थी। इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहां से उसे तेजस्वी मुनीश्वर मार्कंडेय ऋषि का दर्शन हुआ। हृदय से उनको प्रणाम करके वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो श्राप से दुखी होकर के हेम माली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। संत महर्षि बड़े ही दयालु होते हैं। माली को कष्ट पाते देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने कौन सा पाप कर्म किया था जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर के महान दुखों को भोग रहा है। माली बोला कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल पुष्प ले जाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण हो गया, इसी कारण देरी हो गई। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, इसलिए क्रोधित होकर के राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। हे मुनीश्वर, अब मैं यह कुष्ठ रोग और पत्नी का वियोग सह रहा हूं। इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके पास आ सका हूं। शरीर से दुर्बल हो गया हूं, अथ कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख कष्ट दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं और तुझे अपनी भूल के लिए पछतावा भी है, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर लेगा तो इस व्रत के पुण्य के प्रताप से तेरे साप सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, कोढ़ निश्चय ही तेरा दूर हो जाएगा और पत्नी से पुनः मिलन हो जाएगा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ का रोग दूर हो गया। वह अपने पुराने स्वरूप में सुंदर स्वरूप में आ गया तथा उसका अपनी पत्नी से पुनः मिलन हो गया। तो हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत उपवास अनेक यज्ञ करने के बराबर फल प्रदान करने वाला व्रत है। यह कथा जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है, इस दिन मिश्री का सागर प्रातःकाल लेना चाहिए। तरल पदार्थ इसमें ले सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। दूध अथवा दूध से बनी मिठाई और फल इस व्रत में आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और इष्ट संबंधियों से शेयर अवश्य करें। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। मित्रों धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे।